राइट वे इंस्टीट्यूट भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एजुकेशन हब बनता जा रहा है, जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी दिलाई जा रही है। पैरामेडिकल कोर्सेज के साथ साथ आपको भिवंडी के टॉप हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका भी दिया जाएगा, जहां आपको रियल टाइम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। इंस्टीट्यूट के जरिए पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे नर्सिंग, ANM, GNM, MLT, DMLT, रेडियोलॉजी, डायलिसिस, OT टेक्निक्स और गायनेकोलॉजिस्ट असिस्टेंट 50 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टरेट कोर्सेज जैसे MBBS, BUMS, BHMS, BDS के लिए भी एडमिशन्स कंसल्ट किए जाते हैं। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से राब्ता करें। पालघर जिला में आश्रम स्कूलों में खाना खाने के बाद 400 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। खबरों के मुताबिक खाना खाने के बाद बच्चों ने मतली, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत की, जिसके बाद सभी बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जगह ना होने की वजह से एक बेड पर दो बच्चों का इलाज जारी है। इस मामले के बाद काफी कोहराम मच गया और अब भी फूड पॉइजनिंग के कारण की जाँच की जा रही है। भिवंडी में सड़कों पर भारी ट्रैफिक का मसला लोगों के लिए नया नहीं है और कुछ किलोमीटर तय करने के लिए भी वाहन चालक घंटों तक इंतजार करते हैं। इसी दौरान खबर आई कि कल्याण नाके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ 5 लोगों ने मारपीट की और सरकारी काम में बाधा डाली, जिसके बाद 5 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया और जाँच शुरू की गई। भिवंडी में अब ठगी करने के कई तरीके फ्रॉडस्टर्स ने ढूंढ लिए हैं। हाल ही में साईं बाबा मंदिर के पास साधु के भेष लेकर आए दो आरोपियों ने एक शख्स की भक्ति का फायदा उठाते हुए उसे सही तरह से पूजा पाठ करने का मशवरा दिया और पूजा के लिए शख्स की 50,000 रुपए कीमत की सोने की अंगूठी के साथ सामग्री के लिए 20,000 रुपए कैश लिए और फरार हो गए। इसी तरह ठगों ने 70,000 रुपए शख्स से लूट लिए। भिवंडी में नहीं रुक रही है भू माफियाओं की मनमानी। अब भी 140 अवैध अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतें शहर में मौजूद है। हालांकि मनपा द्वारा अवैध इमारतों पर तोड़ा कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद शहर में अब भी 140 इमारतें अवैध तौर पर बनाई जा रही हैं, जिन्हें बनाने वालों पर भी किसी किस्म की सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। मीरा रोड पर एक भयानक सड़क हादसे में महिला ड्राइवर की मौत वाकई हो गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया और बताया गया कि ट्रक को ओवरटेक करते समय दो पहिया वाहन पर सवार महिला गिर गई और ट्रक की चपेट में आ गई, जिस वजह से स्पॉट पर ही महिला की मौत हो गई। उल्लासनगर से काफी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी और फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक सवारों ने कार का पीछा किया और एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर कार चालक ने दोबारा उनकी बाइक को टक्कर मारी, जिस वजह से दोनों बाइक सवार नीचे गिर गए। इतना ही नहीं, कार चालक ने दोबारा शख्स को कार से कुचलने की कोशिश की, लेकिन शख्स ने भागकर अपनी जान बचाई। सारी घटना CCTV में कैद हो गई। स्क्रीन पर नजर आ रही महिला का नाम नीलोफर इमरान शेख है, जो 5 अगस्त की शाम से लापता है। महिला की उम्र 35 साल बताई गई और साथ ही जानकारी दी गई कि महिला बोल और सुन नहीं सकती है। महिला का ताल्लुक टिटवाला कल्याण से है। अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी मिले तो दिए गए नंबर पर जरूर रब्ता करें। मुमरा में एक ऊंची बिल्डिंग से एक कुत्ता नीचे अपनी मां के साथ चल रही 3 साल की बच्ची पर गिर गया, जिसमें बच्ची की मौत हो गई और कुत्ता भी गंभीर रूप से घायल हो गया। 3 साल की बच्ची अपने मां बाप की इकलौती औलाद थी और शादी के 10 साल बाद पैदा हुई थी, जिस वजह से मां बाप बुरी तरह सदमे में हैं। पुलिस को शक है कि किसी ने कुत्ते को जानबूझकर टेरेस से नीचे फेंका था। पुलिस उसी बिल्डिंग में रहने वाले डॉग ओनर से पूछताछ कर रही है। गुजरात ATS ने महाराष्ट्र के थाने में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर छापा मारते हुए 831 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पहले ही इसी तरह ATS डिपार्टमेंट द्वारा भिवंडी शहर में एक शख्स को ड्रग्स की खरीदो फरोख्त के इल्जाम में 800 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था।